इस वीडियो का गलत इस्तेमाल मत करिएगा, ये केवल एजुकेशनल पर्पस से है। आज हम सीखेंगे यूएसबी की लॉगर कैसे काम करता है, उसके थ्रू कैसे हम किसी का अकाउंट पर्सनली उसका साइलेंटली कॉपी कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, मतलब उसका कॉपी कैसे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं साइलेंटली। ठीक है, तो आज हम यही सीखेंगे। तो सबसे पहले यूएसबी की लॉगर कैसे काम करता है वो आज पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक यहाँ पे एक फोल्डर है, इसको आप देखिए। यहाँ हमने पहले से डिज़ाइन किया हुआ है कि ये कैसे काम करता है, तो आप उसको स्क्रिप्ट को पहले देख लीजिए, बाद में आपको डिटेल्स में समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चार फाइल क्रिएट करने वाले हैं, ऑटो रन INI लॉन्च डॉट बैट घोस्ट डॉट BVS कॉपी डॉट बैट, ये चार फाइल बनेंगी। और वो कैसे काम करेगा ऑटो रन के थ्रू वो हम डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक बैट फाइल क्रिएट करिए। अब बैट फाइल में क्या लिखा हुआ है आप देख लीजिए, इसको पहले देख लीजिए, इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बैच फाइल में ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। इसके बाद एक चीज़ आपको देखना होगा, यहाँ पे लॉन्च डॉट बैट है, ये इसको हम खोल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये मेन स्क्रिप्ट है, इसको आपको देखना ज़रूरी है। यहाँ पे डब्लू स्क्रिप्ट डॉट exe जो है ये एक होस्टिंग है, मतलब जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो BVS फाइल रन होती है, मतलब जो स्क्रिप्ट रन होती है ये इसी के थ्रू होती है। जैसे आपको हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम डब्ल्यू स्क्रिप्ट डॉट exe को अगर रन करा कर आप देखना चाहेंगे तो ये देखिए इस तरह से होगा। ये एक विंडो स्क्रिप्ट का होस्टिंग सेटिंग है, मतलब एक तरह से स्क्रिप्ट को रन कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका मतलब यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देख लीजिए ये बैच फाइल जो है इसमें हमने क्या करा हुआ है, ये स्क्रिप्ट को रन करा रहे हैं। अब घोस्ट डॉट BVS जो हमारा स्क्रिप्ट है, ठीक है, उसको हम कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, इसको जूम करके दिखा देता हूँ। इसमें सिंपल एक फाइल है, ये बैच फाइल में सिर्फ इतना ही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे घोस्ट डॉट BVS स्क्रिप्ट इसमें देख लीजिए क्या है, यहाँ पे यही है सिंपल। ये एक इसको आपने दिमाग नहीं लगाना है, इसको सिंपल कॉपी और पेस्ट कर देना है। ये जो देख रहे हैं ना डब्ल्यू स्क्रिप्ट डॉट सेल का, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे कितना आर्ग्यूमेंट, ये सब ये सिंपल एक लाइन को जो सिंपल BVS स्क्रिप्ट में जो हमारा घोस्ट डॉट BVS स्क्रिप्ट है ये सिंपल इसको कॉपी करना है और उसको पेस्ट करना है और BVS एक्सटेंशन लगा देना फाइल का, बस सिंपल इतना ही करना। ठीक है, देख लूँ, ये आपको होल्ड करके रख रहा हूँ, आपको लिखने में आसानी होगी। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कॉपी बैट हो गया ऑटो रन INF फाइल, इसमें क्या है आप देख लीजिए, यहाँ पे सिंपल इसमें क्या हो रहा है, आइकन है, ड्राइव डेट आइकन है, यहाँ ओपन करा रहे हैं लॉन्च डॉट बैट को या सिंपल इसको, और ये क्लिक इवेंट पर काम करेगा और सेल ओपन, इतना ही है। ये ऑटो रन INF फाइल का जो है ऑटो रन के हिसाब से ये काम करेगा, इसमें इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, सबको मैंने आपको दिखा दिया किस फाइल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कैसे ये काम करेगा, एग्जीक्यूट कैसे करेगा, सिंपल इतना ही है। एक आप यूज़र्स का फोल्डर बना लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, यूज़र्स का एक फोल्डर आप बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल इसको कॉपी करेंगे। अब हम अपना पेन ड्राइव लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, पेन ड्राइव लगा लिए यहाँ पे, इसमें देख लीजिए कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसके फोल्डर को कॉपी करते हैं, कॉपी कर लेते हैं पूरा। कॉपी करने के बाद इसको इसके पेन ड्राइव में सिंपल पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको रीडमी फाइल का ऑलरेडी करके दिखाया हुआ है कि इसमें क्या करना है, पहले चार फाइल बना हुआ है, कैसे एग्जीक्यूट करेगा, ये सारा सीक्वेंस आपको लिखा हुआ है, इसमें आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, अगर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑटो रन डिसेबल्ड किया हुआ है तो उसको आप कैसे रन कराएंगे, ये एक प्रॉब्लम है। XP और 2000 में तो ऑटो रन
डिसेबल नहीं रहता था बाय डिफॉल्ट, लेकिन 7 और 10 में ये डिसेबल रहता है। तो आपको डायरेक्ट लॉन्च डॉट बैच को रन कराना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए। पहले एग्जीक्यूट करेगा ऑटो रन INI फाइल, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा लॉन्च डॉट बैट फाइल, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा गोस्ट डॉट BVS, उसके बाद लास्टली जो हमारा कॉपी बैट एग्जीक्यूट करेगा। ये ऑटो रन पे जैसे यहाँ पे अगर काम कर रहा है, यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया इसको पेन ड्राइव में, यहाँ पे विंडो 10 है इसीलिए ऑटो रन काम नहीं किया, ये डिसेबल है। ये अगर काम नहीं करता है आपका बाय डिफ़ॉल्ट, अगर जैसे हमने पेन ड्राइव लगाया सिस्टम में, तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो रन जो है काम कर जाना शुरू करता है। लेकिन अगर नहीं रन करता है तो आप सिंपल लॉन्च डॉट बैट को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है कॉपी डॉट बैट में कि किस किस अकाउंट का कहाँ कहाँ का डाटा निकालना है, तो देखिए यहाँ पर यूजर्स में डेस्कटॉप फेवरेट डॉक म्यूजिक पिक्चर्स और वीडियो ये सारे इसको निकाल देंगे। और निकाल के कहाँ रखेगा, ये यूजर्स के फोल्डर्स में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने ओपन करा हुआ है, ऑटो रन काम नहीं कर रहा है। अगर XP या 2000 रहता तो उसमें क्लिक करने के बाद ही कॉपी होना शुरू हो जाता है डाटा, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर लॉन्च डॉट हम बैच क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हो गया, यहाँ देखिए यूजर्स का क्रिएट हो रहा है, देखिए यहाँ पे डाटा आ रहा है, सारा डॉक्यूमेंट कॉपी हो रहा है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ये कॉपी हो रहा है, वीडियोस भी रहेगा तो वीडियो भी कॉपी हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब जो अकाउंट में यूजर्स अकाउंट जो है विंडोज़ का, उसमें जो जितने भी डाटा हैं वो साइलेंटली आप कॉपी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड वॉच माई अदर वीडियोज़ टू।